हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास नाइन्थ ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 26 से आपको बताएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको हमें सॉल्व करना है यानी सिंप्लीफाई करना है, और जो उसकी पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जो उसकी पावर है वो नेगेटिव ना होगी पॉजिटिव होगी। आपको कहना चाह रहा है एक्सपोनेंट का मतलब आपको पता होगा, पावर को कहते हैं या डिग्री को कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन 3x² की पावर 0, कोई भी एंटिटी की पावर अगर 0 हो गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आँख बंद करके 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उसके बाद देखेंगे, कह रहा है एक्स वाई की पावर -2 दी हुई है। क्या दी हुई है? एक्स वाई की पावर -2 दी हुई है। कभी भी अगर पावर नेगेटिव हो तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपकी एंटिटी दी हुई है इसको हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्स वाई के अपॉन में हम अपनी तरफ से 1 रख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता ही है, लेकिन हमें इसको शो करना होगा, रखना होगा। अच्छा, यहाँ भी लिख लेंगे एक्स वाई अपॉन 1 की पावर -2। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर -2 से क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई की पावर 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हमारा थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। -27 a की पावर 9 की होल पावर 2/3। तो ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए। -27 a की पावर 9 की होल पावर 2/3। इसको देखिए कैसे करेंगे। हम -27 को लिख सकते हैं -3/3, ठीक है। a की पावर 3 को लिख सकते, a की पावर 9 को लिख सकते हैं a की पावर 3 की होल पावर 2/3। अब देखिए -3/3 है और a की पावर 3 है, तो इन दोनों को हम एज अ सेम ले लेंगे और पावर को कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -3 a की पावर 3 की होल पावर 3, और बाहर ऑलरेडी पावर कितनी दी हुई है? 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये बचा -3 a की पावर 3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर डॉट यानी इनटू a की पावर 3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अंदर क्या है? नेगेटिव है। जब भी अंदर नेगेटिव हो ब्रैकेट में और बाहर पावर इवन हो तो वो जो इवन पावर है वो नेगेटिव साइन को खा जाती है या रिमूव कर देती है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 9 हो गया, लेकिन अगर कहीं बाहर पावर ऑड हो जाती तो ये पलट के क्या आता? नेगेटिव ही आता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की पावर a + b की पावर b, सेकेंड पार्ट a की पावर b + b की पावर a। तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? a की पावर a + b की पावर b। a की वैल्यू क्या है? 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 + b की वैल्यू कितना है? -2। तो ये हो जाएगा -2 की पावर -2। अब देखिए 3 की पावर 3 यानी 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा? 27 प्लस फिर वही चीज़, पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। जहाँ कहीं पे भी पावर नेगेटिव आ जाएगी, अब क्या करेंगे? इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते कैसे हैं? अपॉन 1 करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे कैसे? इसको रेसिप्रोकल करके। तो ये -2/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा? -1/2 की होल पावर 2। तो ये हो जाएगा 27 प्लस
माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही रहेगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 27 होल 1/4, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ना आपने मल्टीप्लाई किया ना आपने प्लस किया, तो ये एक छोटी सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है आपकी, अगर जैसे मान लीजिए लिखा है 7 + 3/5, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसको हम मिला के लिख सकते हैं 7 होल 3/5। सर मुझको यकीन नहीं हो रहा ये कैसे आ गए, तो देखिए कैसे आ गया, 5 7 = 35 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35 + 3 कितना हो जाएगा, 38/5। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 बार में जाएगा 35 और ये 3 बचेगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 5 होल 3/7, ठीक है, सॉरी 7 होल 3/5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहता है, ऊपर आपका डिवाइजर रहता है, और सॉरी ऊपर आपका डिविडेंड एक मिनट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहता है, ऊपर रिमाइंडर रहता है, नीचे क्या रहता है, डिवाइजर रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 7 था, रिमाइंडर क्या है, 3 है, डिवाइजर क्या है, 5 है, और ये जो बीच वाला 38 इसको हम डिविडेंड कहते हैं। फिलहाल ये तो बेसिक सा था, लेकिन आपको ट्रिक क्या होनी चाहिए कि कहीं पे भी अगर 1 + 1/3 लिखा है तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 होल 1/3, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इससे क्या होगा आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 27 होल 1/4। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड पार्ट भी करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, ए की पावर बी, ए क्या दिया है आपका 3 दिया है, बी कितना दिया है -2, प्लस बी की पावर ए, बी कितना है आपका -2 है, उसकी पावर कितना हो जाएगा ए, ए कितना है आपका 3 है। अब देखिए पावर नेगेटिव, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अगले स्टेप में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, -2 की पावर 3, यानी -2 × -2 × -2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -2 - 2 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाए, क्या आएगा -8, 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 8, -, +, ±, और -+ अगेन -, हो जाएगा, वो तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे, 1/9 - 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 - 9 8 = 72/9, ये कितना आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा -71/9, और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब क्या आएगा, ज़रा देखिए, 9 7 1 मिनट 9 7 63 8/9, और आगे नेगेटिव लगाए तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने कह रहा है, कहता है इफ x इज इक्वल टू 10^3 इंटू 0.0099, y इज इक्वल टू 10^-2 इंटू 110, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x अपॉन y। हमें x की वैल्यू भी दी है, y की वैल्यू भी दी है, हमको अंडर रूट x अपॉन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत आसान है, हम सिर्फ वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे x और y की, और उसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट x अपॉन y, ठीक है, अच्छा उठा के वैल्यूज हम पुट कर देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 10^3 इंटू 0.0099 अपॉन y की जगह क्या रखेंगे 10^-2 इंटू 110। अब देखिए पॉइंट के बाद चार गिनती है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 4 जीरो क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे। ओके अच्छा इसके बाद समझेंगे, 10^-2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10^2, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई पावर वाली गिनती को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं जो कि नेगेटिव हो, तो वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाते ही क्या हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, यानी अपना साइन चेंज कर देती है, और इसका वाइस वर्सा भी क्या है ट्रू है, यानी अगर यहाँ पे कोई गिनती पॉजिटिव पावर में होती और उसको हम ऊपर ले जाते तो उसकी पावर क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। फिलहाल के लिए
इसकी नेगेटिव पावर है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे 99 बचेगा अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए समझिएगा मेरी बात, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनकी पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी यानी जुड़ जाएगी, 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 to the power 5 इंटू 99 अपॉन 11। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 0 है तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 to the power 5। ओके अच्छा, 10 to the power 5 से 10 to the power 5 कैंसिल आउट हुआ, 11 1 जा, 11 9 जा, आंसर कितना आया, अंडर रूट 9। ठीक है, अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, लेकिन जब भी कोई गिनती अंडर रूट में होती है तो उसके हमेशा दो आंसर आते हैं, प्लस में और माइनस में। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है इवैल्यूएट, यानी हमको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो चीज़ दी क्या हुई है, एक्स की पावर 1/2 डॉट का मतलब इंटू, वाई की पावर -1 डॉट का मतलब इंटू, जेड की पावर 2/3। व्हेन, जब एक्स की वैल्यू 9 दी है, वाई की वैल्यू 2 दी है, जेड की वैल्यू 8 दी है, यानी जो एक्स की जगह पे हम 9 रख देंगे, y की जगह पे हम 2 रख देंगे, और z की जगह पे उठा के हम यहाँ पर 8 पुट कर देंगे। ओके तो इसको देखेंगे हम इसका सल्यूशन, x की पावर 1/2 डॉट y की पावर -1 डॉट z की पावर 2/3। ओके अच्छा, x की जगह पे उठा के हम क्या पुट करेंगे, 9, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/2, समझिएगा मेरी बात, y की जगह पे हम क्या उठा के पुट करेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1। अब एक स्टेप हम यहाँ पे और कर लेंगे, पावर निगेटिव हो गई तो इसको क्या करेंगे हम, सीधा सीधा अपॉन 1 करके फ्रैक्शन बना देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले स्टेप में हमें इसको क्या करना होगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, पावर निगेटिव थी तो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन बना दिया, कैसे बनाया, अपॉन में 1 करके। अगले स्टेप में कैसे करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा, डॉट का मतलब इनटू, जेड की जगह पे 8 पुट करेंगे तो 8 की पावर हो जाएगा, ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी है, 2/3। अच्छा, इसके बाद देखेंगे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई है, 1/2 डॉट, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 1, लिख लीजिए, अमूमन लिखते नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए समझने के लिए। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी है, 2/3। ओके अच्छा, इसके बाद समझेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, डॉट, यहाँ बचा 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा ये, 4। अब समझिएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या हो जाएगा, 3.1.2, इसका मतलब क्या है कि 3 × 1 × 2, आंसर कितना आ गया, 6, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके आप देख सकते हैं कितना आसान था, जब तक के लिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है इफ एक्स की पावर 4, बीच में कोई साइन नहीं इसका मतलब इनटू का साइन है, वाई की पावर 2, जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 49392, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स, यानी 49392 को हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 3 में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए सॉल्यूशन,
अगर मैं आपसे कह दूं फॉर एग्जांपल कि आप 12 को रिप्रेजेंट करिए, 12 को रिप्रेजेंट करिए समथिंग की पावर 2 डॉट समथिंग की पावर 1 में, यानी मान लीजिए एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1 में, तो कैसे करेंगे आप? आप बेसिकली क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, 2 6 2 3 3 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो एक्स की जगह पर 2 आ जाएगा, वाई की जगह पर 3 आ जाएगा। कैसे किया हमने? सीधा सीधा एलसीएम निकाल के। ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, 4 9 3 9 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ओके तो चलिए निकालते हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, 4 9 3 9 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 9 3 9 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। निकाल लीजिए, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, फिर इसको 2 से रिड्यूस करेंगे, 3 बार में जाएगा ये, जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 8 बार में, फिर इसको 2 से रिड्यूस करेंगे, ये जाएगा 2, ये जाएगा आपका 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कर रहा हूँ। फिर इसको 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 ज़ा 2 0 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। ठीक है, अब ये 2 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये, अब ये 2 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसको हम 3 से करेंगे, 1 बार में, 0 बार में, 2 बार में एंड 9 बार में। ठीक है, अच्छा इसको फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। अब ये जो है ये 3 से भी नहीं जा रहा है, अब ये किस नंबर से जाएगा ज़रा समझिए, अब मेरा ख्याल ये 7 से जाएगा। सेवन फोर ज़ा सेवन नाइन ज़ा सेवन सेवन ज़ा एंड सेवन वन ज़ा। तो देखिएगा, समझिएगा मेरी बात, हमें 4 9 3 9 2 4 9 3 9 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू 1 2, 3 की पावर 2 हो गया इंटू 1 2 3, 7 की पावर 3 हो गया। अब देखिए हमें इसको कंपेयर किससे करना था, देखिएगा हमें इसको कंपेयर किससे करना था, एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 3। अब देखिए, अब हम इसको सीधे सीधे क्या कर लेंगे, एक दूसरे के सामने रख के कंपेयर कर लेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यानी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई सीधा सीधा, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, यानी y की जगह पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया आपका। z की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 7 की पावर 3 है, यानी क्या हो गया आपका, z इज इक्वल टू 7 हो गया। ओके और मेरे ख्याल से यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। और इस तीनों से खास बात जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ और आपको समझनी भी चाहिए बहुत अच्छे से, कि इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।